हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में असाइनमेंट डे 9 करने वाले हैं, यानी कि डे 9 का जो आपका असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले प्रश्न में दिया है आपको एक परिच्छेद है, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके उत्तर उसी में से ढूँढ कर लिखना है। तो चलिए पहले परिच्छेद पढ़ लेते हैं। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे चार बना लेते हैं, हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। चलिए, तो यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न है कि असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम रुद्रासुर के त्रस्त हैं, असुर हम से के न केवल बलवान हैं अपितु चतुर भी हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वह चार बना लेते हैं। फिर दूसरा है कि देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। देवता रुद्रासुर के विनाश का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं। फिर देखिए, आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, तो उस चित्र के आधार पर आपको कहानी का निर्माण करना है। तो देखिए, ये आपको चार चित्र दिए गए हैं जिसके अंदर पहले में एक कबूतर दिख रहा है, नीचे पानी में चींटी है। फिर एक दूसरा चित्र है कि एक कबूतर उस पर जो है यहाँ पेड़ पर बैठा है और एक शिकारी जो उसकी तरफ बंदूक का निशाना लगाए हुए है इतने में जो है। फिर तीसरा देखिए कि जिसके अंदर एक कबूतर जो है वो अपने चोंच में एक पंख दबाए हुए है, पंख पर चींटी चढ़ी हुई है। ये चौथे चित्र में देखिए कि कबूतर जो है वो आसमान में उड़ा जा रहा है और जो शिकारी के पैर में चींटी डंक मार रही है। ठीक है, तो देखिए इसकी कहानी ये बनती है कि एक बड़ा जंगल था, उस जंगल में एक नदी बहती थी। नदी के किनारे कई वृक्ष थे, उन वृक्षों में से एक वृक्ष पर कबूतर रहता था। एक चींटी भी उसी पेड़ पर पेड़ के पास रहती थी। एक दिन चींटी नदी में गिर गई। कबूतर ने चींटी को पानी में डूबते हुए देखा। कबूतर ने उसे डूबने से बचाने के लिए एक उपाय सोचा। कबूतर एक वृक्ष के पान तोड़ ले आया, उस पान पर चींटी बैठ गई। इस प्रकार कबूतर ने चींटी की जान बचा ली। एक बार उस जंगल में एक शिकारी आया। वह शिकारी उस कबूतर को एक पेड़ पर बैठा देख गया। शिकारी कबूतर को गोली मारने के लिए बंदूक से उसका निशान लिया। कबूतर को इस बात का पता नहीं चलता कि शिकारी उसे गोली मारने वाला है। उस समय वह चींटी शिकारी को देख गई। शिकारी जैसे ही कबूतर पर गोली चलाने जाता है, उसी समय चींटी उसके पाँव में काट लेती है। चींटी के काटने के कारण शिकारी का निशान चूक जाता है और गोली की आवाज़ सुनकर कबूतर उस पेड़ पर से उड़ जाता है। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की जान बचाकर अपनी मित्रता निभाई। चलिए फिर आगे है, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बहन मुझे बचा लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसे ही आपको लिख दिए गए, ना कोई मात्रा है, ना कोई चिन्ह है उसके अंदर, ना पूर्ण विराम है, ना क्वेश्चन मार्क, उन सभी को आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो देखिए, बहन मुझे बचा लो। अब ये क्या है कि किसी के द्वारा बोला जाता है, बराबर। तो ऐसे वाक्य को क्या किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि अवतरण चिन्ह में लिखना पड़ता है। तो देखिए, आपको आंसर में बताया गया है उसी तरीके से आपको लिखना है। फिर दूसरा वाक्य है कि बिच्छू बोला, बराबर। फिर बिच्छू बोला, यह शब्द कोई बोल रहा है तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे और वो जो बोलता है उसको हम अवतरण में लिखेंगे। तो देखिए, दूसरा आंसर है कि बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। फिर तीसरा देखिए, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ये भी कोई किसी के द्वारा बोला गया वाक्य है तो इसको भी अवतरण में रखना है। और दूसरा कि ये देखेंगे कि वाक्य पूरा होने के बाद जो है क्या रखाया गया है, पूर्ण विराम लगाया गया है। चलिए इसी तरीके से चौथा देखिए, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। अब देखिए, ये क्या है, किसी को प्रश्न पूछा गया है तो उसके पीछे पूर्ण विराम नहीं बल्कि प्रश्नचिन्ह लगाया है। फिर देखिए, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो
तो अब देखिए इसके अंदर वाक्य के अंदर प्रश्न भी है और उसको पूरा भी किया गया, तो दोनों चिन्ह लगाए हैं। और दूसरा कि यह वाक्य किसी के द्वारा बोला गया है तो इसके आसपास अवतरण चिन्ह भी लगाना है। चलिए फिर देखिए निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए राह दिखाना तो है रास्ता दिखाना, तो वाक्य बनता है कि राम ने कई लोगों को जीवन जीने की राह दिखाई। आदत का गुलाम होना तो आदत से मजबूर होना, कुछ लोग अपनी बुरी आदत के गुलाम होते हैं। अनसुनी करना तो ध्यान न देना, गुरु की बात को अनसुनी करने वाला छात्र कभी सफल नहीं होता। फिर देखिए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, तो आपको दिया गया है बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक और मुसीबत, तो इसके आधार पर सही वाक्य क्रम बनेगा डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और शैतानी। फिर आपको दिए रिक्त स्थान पूरा कीजिए, नन्ही ने बिच्छू को दोबारा खाली जगह दिया, तो रिक्त स्थान में आएगा जीवन दान। दूसरा है कि बिच्छू ने कहा डंक मारना मेरा खाली जगह है, क्या है, स्वभाव है। मौत सामने देखकर बिच्छू को खाली जगह की याद आई, किसकी याद आई, नन्ही की। माँ बिच्छू को खाली जगह से बचाने में देर हो गई, किससे, दलदल से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हमारा असाइनमेंट पूर्ण होता है। आपका जो डे 9 का जो असाइनमेंट है, आपको उस दिन का ये जो असाइनमेंट है वो आपको इसमें से देखकर इसकी हेल्प लेकर आपको पूरा करना है। धन्यवाद।